ये मामला अभी एलजी साहब हैंडल कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे थे, दिल्ली सरकार का कोई मंत्री नहीं था उसमें। अगर आप कुछ बता सके कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पे बात हुई और क्या सहमति बनी? मीटिंग बड़ी अच्छी हुई, अच्छा लगा कि एलजी साहब भी और दिल्ली सरकार अब काफी एक्टिव है। दरअसल उनको भी कुछ मामलों में क्लैरिटी नहीं थी, बच्चों की समस्याएं भी सुनी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अपना पक्ष क्या है वो भी सुना, कौन से ऐसे नियम कानून हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं वो भी सुना, सब नोट किया। उसके बाद एक छोटी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में मैं भी हूँ, कुछ टीचर्स और भी हैं उसमें, अगर मैं ठीक ध्यान कर रहा हूँ तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, DDMCD के जो हेड्स हैं वो भी हैं। तो हम सब लोग अगले कुछ दिनों में कुछ मीटिंग्स करके इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, और वो सुझाव सब लोगों ने दिए, मैंने भी दिए, और वो सब नोट किए गए। कहीं ना कहीं तो वो बक रुकेगी, कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। एकदम ठीक बात। क्या ये MCD की गलती थी, सरकार की गलती थी, किसकी गलती थी? मतलब मैं इस चीज से बचता हूं कि हम सारी गलती किसी एक पर ही थोप दें, जैसे सोशल मीडिया में उस पर थोप रहा है, आप भी किसी एक पर थोपना चाहें तो थोप लें, पर मैं नहीं थोपूंगा। गलती किसकी है? मेरे ख्याल से एक कमी यह है कि अलग अलग कानून अलग अलग एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी है। नीयत सबकी ठीक है, अगर थोड़ा कोऑर्डिनेशन होता, जैसे आज की जो मीटिंग थी उसमें बड़ा अच्छा प्रस्ताव एक व्यक्ति ने दिया जिसको एलजी साहब ने तुरंत एक्सेप्ट किया। हम सब ने कहा कि सर आप एक ऐसी कमेटी बना दीजिए जहां हम बैठ के सारी बातें समझा दें, सारा पक्ष रख दें, फिर जो आप आदेश देंगे, जो नियम बनाएंगे, आप केवल 10-15 दिन का समय दे दीजिए, जो उस नियम को ना माने उसको बंद कर दीजिए। हम सबसे पहले तैयार हैं उस चीज के लिए, हमें भी तो क्लैरिटी चाहिए कि क्या क्या नियम है। इस घटना की जिम्मेदारी अगर तय करनी हो तो मेरे ख्याल से पहली समस्या ये वाली है। भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से है ही, कहने की बात ही नहीं। अगर आप उस दिन के वीडियो को देखेंगे तो मैं बहुत परेशान रहा उस वीडियो को देख के कि सड़क पर बहुत पानी भरा हुआ है, बेसमेंट का जो लेवल है वो सड़क के लेवल से बहुत ही नज़दीक है, ऊंची बेसमेंट नहीं है, लगभग उसी लेवल की बेसमेंट है। बहुत खतरा नजर आ रहा है कि अगर पानी उछला तो अंदर चला जाएगा। इतने में एक जीप वहां से गुजरी और मुझे आज पता लगा कि वहां एक बड़ा सा पैनल रख के रोका हुआ था पानी को अंदर जाने से, और अंदर बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। जैसी वो जीप तेजी से गुजरी, पानी जोर से उछला और उस पानी से वो टूट गया जो टेम्परेरी रास्ता बना हुआ था, तो पानी अंदर जाने लगा। तब भी हमें दुविधा थी कि अचानक इतना पानी कैसे गया होगा, क्योंकि अगर 30-40 बच्चे थे और पानी आते हुए देखेंगे तो शायद निकलने का रास्ता रहता। एक तो दरवाजा बंद हुआ जो बायोमेट्रिक होने की वजह से हुआ, ये बहुत बड़ी समस्या हुई। दूसरा जो आज उन बच्चों ने बताया उस मीटिंग में, वो ये था कि पानी एक खास गति से जा रहा था और बच्चे बाहर निकल रहे थे और अनुमान था कि निकल भी जाएंगे, किताबें लेके निकल रहे थे क्योंकि पानी इतना था कि उनको लगा किताबें छोड़ के निकलेंगे तो बचेगा नहीं कुछ। इतनी देर में पानी के बहाव से जो एग्जॉस्ट फैन था, वो जो एरिया था, वो भी टूट गया, और जैसे ही वो टूटा पानी का पूरा बांध एक साथ अंदर गया। और उन बच्चों की बात जो मैं समझ पाया कि कमर तक के पानी से सिर के ऊपर तक पानी जाने में केवल शायद 50 सेकंड या 1 मिनट लगा। ये इतना कम टाइम था कि इतने टाइम में शायद हम में से कोई भी ना सोच पाता ना निकल पाता। फिर एलजी साहब ने आज बड़ी अच्छी बात उसमें यह भी कही कि वहां जो सीवर लाइन्स थी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन से, एंक्रोचमेंट से कवर हो गई थी। ये भी एक समस्या है, एंक्रोचमेंट भी ऐसे तो नहीं होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई शामिल होगा ही होगा। मेरा अपना मानना था कि बेसमेंट थोड़ी ऊंची होती बेहतर होता, लेकिन आज मुझे पता लगा कि जो नए नियम हैं जिसमें स्टिल्ट पार्किंग बनाना जरूरी है, उसमें शायद 8 सेंटीमीटर का कोई नियम है। अब नियम है या ये मतलब जनरली ऐसा होता मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इस वजह से बेसमेंट्स बहुत ऊंची नहीं बनती है दिल्ली में, एक वजह ये भी है। इन सब के साथ मैं ये खुल के मानता हूं कि इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी बनती है। संयोग की बात है कि हादसा कहीं और हुआ, लेकिन हमें नोशनल सेंस में समझना चाहिए कि हादसा कहीं भी हो सकता था। इसको रेक्टिफाई करना सभी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी बहुत खुल के निभाने को तैयार भी हूं, तत्पर भी हूं, और मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी भी सूरत में जो चीजें अलाउड नहीं है दिल्ली में वो हम नहीं करेंगे, और
चाहे हमें दिल्ली छोड़नी पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े, जो भी अप्रूव्ड बिल्डिंग्स होंगी हम वहीं काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।